दोस्तों आदमी को ऑलराउंडर होना चाहिए। तो आज हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि काऊ रोप कैसे बनती है। तो गाय के लिए जो रस्सी बांधी जाती है, तो ये हमने रस्सी ले लिया है और इस रस्सी को किस प्रकार से काऊ रोप बनती है तो वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमने रोप ले लिया है, रस्सी ले लिया है, ये इतनी बड़ी रस्सी ले लिया है। तो इसकी नाप जो होती है तो इस तरह से नापी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गई 7। तो हम लंबे, मेरा हाथ लंबा है तो इसलिए आप अपने हाथ के हिसाब से देख लीजिएगा कि लगभग लगभग 7 मीटर या 6.5 मीटर के आसपास ये रस्सी होती है। तो इस रस्सी को पहले ये दो सिरा हमने ले लिया कटी हुई और इस रस्सी को हमने इसको ऐसे बांधा, इस तरह से हमने बांध दिया। और इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर हमने एक यहाँ से ये इससे थोड़ा और आगे इस तरह से करके ये हमने लिया और इससे हमने इस तरह से निकाला, ऐसे निकाला, एक रस्सी ले लिया ऐसे निकाला, फिर इसको हमने इस उंगली के ऊपर से ऐसे किया और फिर ये ऐसे किया और फिर इसको इसके अंदर से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से निकाला तो एक ये ऐसे बन गया और फिर ये एक बाल इसके हिसाब से हम नाप लेते हैं, ऐसे नाप के दिखाते हैं। ये हमने नाप लिया और इससे थोड़ा और आगे बढ़ गए, इस तरह से हमने इसको पकड़ लिया। अब हम एक सिरा ऐसे पकड़ेंगे और उस सिरा को हम ऐसे करके और इसको नापेंगे, ऐसे हमने नाप लिया और नाप से थोड़ा सा ये इतने से थोड़ा और आगे हम करते हैं तो यहाँ तक हमने ले लिया, इसकी लंबाई इतनी हो गई। और फिर उसी तरह से हमने ऐसे किया और फिर इसको ऐसे किया और ये देखिए इसमें ये बन गया छेद। तो इस छेद के अंदर से हमने इसको ऐसे निकाला तो ये लंबा हो गया। अब देखिए कैसे बन गई, ये देखिए, ये दो फंदी लगी और दो फंदी में ये लंबी हो गई। और इसको अब हम ये जो बड़ा सिरा जो बचा हुआ है इसको ऐसे हम निकालेंगे और ये देखिए ये उसके हम गाय के मुंह चला जाएगा और इसको जा करके ये गाय के गले में फंदा लगा करके और उसको यहाँ पर ऐसे हमने फंदा लगाया ये और ये कस जाएगा। तो अपने हिसाब से ये सेटिंग कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बड़ा हुआ तो उसके बाद फिर हम इसको छोटा कर देंगे तो यहाँ से एक और गांठ मारेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये काऊ रोप बन गई। देखिए किस प्रकार से ये काऊ रोप बनाई जाती है और ये हम लगा करके और उसको हम दिखाएंगे कि एक गाय की कैसे बन जाती है ये काऊ रोप। इसको यहाँ देहात की भाषा में कोई मुकेरी बोलता है, कोई मोहरी बोलता है। तो इस प्रकार से ये गाय की बांधने वाली रस्सी गाय भी बन जाती है, भैंस भी बन जाती है, बैल भी बन जाता है। जानवर जो होते हैं उसको आप आराम से उसको गाय भैंस बैल को हम बांध सकते हैं और उसको आसानी से रख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ना समझ हो तो आप कमेंट करिएगा और फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।